साथ निभाना साथिया और साथ निभाना साथिया 2 की शानदार सफलता के बाद अब साथ निभाना साथिया का रिबूट वर्जन भी जल्द ही टीवी पर धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। इस रिबूट वर्जन में फिर से अहम गोपी की जोड़ी दिखाई देने वाली है। शो में जिया मानिक गोपी के किरदार में और मोहम्मद नाजिम अहम के किरदार में नजर आने वाले हैं। वंदना बिठलानी का नाम भी शो के लिए फाइनल कर दिया गया है और अब साथ निभाना साथिया के रिबूट वर्जन में रूपल पटेल की एंट्री से जुड़ी एक गुड न्यूज फैंस के लिए सामने आई है। कुछ समय पहले रूपल पटेल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन अब रूपल पटेल की हालत पहले से बेहतर है। रूपल पटेल की सेक्रेटरी ने बताया अब वो ठीक है और आज उन्हें छुट्टी मिल सकती है। साथ निभाना साथिया की ओरिजिनल सीरीज में रूपल पटेल ने कोकिला बेन का किरदार निभाया था। इसी किरदार के बाद रूपल पटेल को घर घर में पहचान मिली है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उनके आगामी शो की शूटिंग में देरी हो रही है। वो जल्द ही साथ निभाना साथिया के रिबूट में वापसी करने वाली हैं। सीरियल की शूटिंग रूपल पटेल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शुरू कर सकती हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूपल शो का हिस्सा बनने जा रही है। सीरियल 1 जून को फ्लोर पर जाने वाला था, हालांकि दुर्भाग्य से वो बीमार पड़ गईं और इसलिए शूटिंग में देरी हो रही है। अब सब कुछ ठीक है और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें, इस बार हमें अहम गोपी की जोड़ी एक नए अवतार में नजर आने वाली है, क्योंकि अब रूपल पटेल भी शो का हिस्सा बनने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैंस की एक्साइटमेंट शो के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। वेल, आप इस शो के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।